दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि ये पानी लेता है, उसके बाद 10 या 15 सेकंड बाद पानी बंद हो जाता है। देखिए पानी आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में पानी बंद हो जाता है। आपको हम डिस्प्ले की तरफ ले चलते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल फील लिखा हुआ है और ये पानी ले रहा है। जैसे 14 पाता उसके बाद पानी बंद हो जाता, फिर पानी, ये देखिए पानी बंद हो गया, पानी नहीं ले रहा है। तो इसी पे यह वीडियो है, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारी वीडियो ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा आखिर इसमें कारण क्या है, किस लिए ये पानी बंद कर दे। आप देख रहे हैं मशीन चालू है, लेकिन यहाँ पर पानी बंद हो जा रहा है। तो हम सोप ट्रे ट्राली को बाहर निकाल लिए दिखाने के लिए आपको। चलो दोस्तों, अब आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि अगली वीडियो बने तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं मशीन के नीचे जहाँ पे मोटर लगी होती है जो ड्रम को घुमाती है। तो यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है, देखिए कार्बन, दो कार्बन होते हैं। आपको दोनों कार्बन को चेक करना पड़ेगा। ये कार्बन जो आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्बन ख़राब हो गया है। मैंने एक कार्बन देखा, वो सही था, फिर दूसरा कार्बन निकाला हूँ, तो आपका कार्बन ख़राब होगा, आप इसमें नया कार्बन डालेंगे। इसमें नया कार्बन डालेंगे, नया कार्बन कैसे डालना है तो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अक्सर क्या है कि कभी कभी क्या होता है, फिल्टर जाम हो जाता है तो लोग कहते हैं पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक नया प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना। देखिए एक कार्बन यहीं पे लगा होता है, अब इसको क्या करना है, इसको ये निकालेंगे, फिर इसके अंदर जो कार्बन है हम कार्बन को बाहर निकालेंगे, ऐसे उठाएंगे। अब हम देख रहे हैं पूरा कार्बन घिस चुका है, इसी में रखा था, और ये कार्बन को हम निकालेंगे। तो यहाँ निकालने के लिए देखेंगे थोड़ा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ में ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो दिखाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। अब ये देखो, देख रहे हैं इसको निकालना कैसे है। यहाँ पर कुछ खांचे से कटे होते हैं, उन खांचे थोड़ा सा प्लास की सहायता से उसको थोड़ा सा तिरछा कर दोगे। ये देखिए, तो दोस्तों ये यहीं पर ही कनेक्शन होता है इसका, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड कनेक्शन हुआ था उसी साइड कार्बन का बड़ा करना। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉल्ट निकला था, मैं भी इस फॉल्ट को समझ नहीं पाया, लेकिन अंततः मैंने इस फॉल्ट को पकड़ लिया। क्योंकि जब भी वॉशिंग मशीन पानी लेती है तो कुछ सेकंड बाद ड्रम हमारा घूमने लगता है, लेकिन यह ड्रम नहीं घूमा, प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये देखिए कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम निकाल दिए हैं, तो दूसरा हमारे पास ये कार्बन है। तो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन हो तो इसका, इस कार्बन की मोटाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई सेम है, चौड़ाई सेम है, लेकिन मोटाई ज़्यादा है, तो इसकी मोटाई कम करना है। कम करके, तो कम कैसे करना है, आपके पास रेगमाल होना चाहिए या तो अमररी पेपर होना चाहिए। इसको हम रगड़ेंगे बढ़िया से, रगड़ रगड़ के इसके अंदर हमें बैठाना। ध्यान रहे कि ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, आसानी से इसके अंदर जाए और निकल जाए, मतलब अंदर बाहर होना चाहिए इसको। तो ये हमारे पास रेगमाल है, इस रेगमाल पे रगड़ देंगे तो बिल्कुल सीधा ही रगड़ा जाएगा, अभी भी स्प्रिंग की साइड है। तो इसमें जो एक वो लगा हुआ है जिस पर हम कनेक्शन करेंगे, अगर आपका सोल्डरिंग आयरन हो तो इसका जो पत्ती लगी हुई हो उस पत्ती को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे, हम इसको इसी को ही काट के उसी पे बैठाएंगे, क्योंकि इसको रगड़ने के लिए सावधानी, अगर कम ज़्यादा घिस दोगे तो जब मोटर पे चलेगा तो ये हिलेगा,
तो दोस्तों आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब ये रेगमाल बैठाओगे मोटर के ऊपर लगाओगे तो उसमें थोड़ा सा मोटर आवाज़ करेगी रेगमाल की, जो ये कार्बन लगाते हो तो उसमें थोड़ा टाइटपन होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा आवाज़ करेगा, किर किर की आवाज़ आएगी। तो उसको ये मत समझना कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब एक आध दो घंटे चलेगी तो बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल फिट है, कहीं ये फंस नहीं रहा है। अब जो यहाँ पे ये पत्ती देख रहे हो दोनों साइड मुड़ी हैं, तो अगर आपके पास उस रेगमाल की पत्ती यहाँ पे सोल्डरिंग से लगा सकते हो, अगर आपका सोल्डरिंग आयरन है पेस्ट है तो उसको यहाँ पर बढ़िया से लगा सकते हो। तो हमारे पास क्या है, इसको काटने की सुविधा है, ये जो दिखा रहा हूँ ये, और इसका निकाल के इसमें सोल्डरिंग कर दो तो आपको ज़्यादा परेशानी, आराम से बैठ जाएगा। और नहीं सोल्डरिंग है तो जो नए वाले के हो बढ़िया सा रगड़ दोगे तो ये बैठ जाएगा आसानी से। इधर भी काटना पड़ेगा और इधर भी रगड़ना पड़ेगा। चलो मैं रगड़ दिया हूँ, अब इसको मैं बैठाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक शंकर यूट्यूब चैनल और मैं शिव शंकर मिश्रा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाया करूँगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी हमारी वीडियो अगर बनती है तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुँचे। अब जो हमने पत्ती थी उस पत्ती को थोड़ा सा इधर करके और यहाँ पे प्लास की सहायता जिसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये बाहर ना हो, और ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब एक बार रेगमाल को हम अप डाउन, कार्बन को अप डाउन करेंगे, बिल्कुल सही है। अब इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब जहाँ पे ये जिस कवर में बैठा था उस कवर को आपको इसको बढ़िया से बैठा देना है। ये ध्यान रहे कि लूजिंग नहीं होना चाहिए, विधिवत से आपको यह बैठाना है। तो जब भी इसमें रेगमाल से रगड़ेंगे तो आपको यह ध्यान होगा कि ये कार्बन ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लूज रहे तो जो आप कार्बन लगा रखे हो ये ज़्यादा स्पार्क करेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसे बैठाना पड़ेगा। ये ध्यान रहे कि जैसे इसे जिस साइड में बैठाए थे उसी साइड में आपको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपसे एक चीज़ अनुरोध है, जब भी कोई कार्य करो तो उसको एक बार वीडियो ज़रूर बना लें ताकि बैठाने उठाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी कि जिसका कनेक्शन करना है उस साइड के, जहाँ पे थिम्बल लगाओगे उस साइड को आपको बड़ा करना है ताकि यहीं पे आपका कनेक्शन होगा। इस साइड ये ज़्यादा उठा हुआ है अभी, क्योंकि एक बार खोलने पे डिसबैलेंस ज़रूर होता है, तो इसको आपको चेक करके और फिर से ये हाँ ऐसे बैठाना। ध्यान रहे कि ज़्यादा इसका प्रेशर दोगे तो ये टूट भी सकता है। ये बिल्कुल बन गया है। अब इसको हम मोटर के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया। चलो अब मोटर पे लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारी मोटर है, इस मोटर को बैठाने के लिए आप देखोगे यहाँ ऊपर नीचे जो होल होते हैं उस होल पे इस कार्बन को आपको बैठाना है। दो चीज़ ध्यान देना, जो हाँ जब जैसे बैठेगा ये देखिए इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे दो सुराख होंगे, उस सुराख पे और इस कार्बन में दो दो एक निकली होती है जैसे कील की तरह, तो उसको उसी में बैठा देना है।
देखो आपको अभी भी नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा हमें और इधर लेना पड़ेगा। जैसे इधर ले, ये बैठ गया। अब इस पर जो स्क्रू था उस स्क्रू को टाइट करना, ध्यान रहे कि स्क्रू को बहुत सावधानी से लगाना है। ये मोटर के कॉइल पे भी गिर सकता है, अंदर भी गिर सकता है, तो आप परेशान हो जाएंगे, तो बहुत सावधानी से इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको कार्बन जब ख़राब होता है तो कई बार तो मोटर ड्रेन का इरर दिखाता है, और ये इरर पहली बार आया हुआ है। जो पानी लेता है तो उसके 15-20 सेकेंड बाद पानी बंद हो जाता है और मशीन खड़ी हो जाती है। मशीन आगे प्रोग्राम नहीं करती है, वहीं पे खड़ी रहती है। तो हमने जो वीडियो बनाया है इसी समस्या का समाधान करने के लिए बनाया हुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि आपने जो समय निकाला और जो हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब कार्बन बिल्कुल टाइट कर लेना, ध्यान रहे कि यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है। तो दोस्तों टाइट हो गया है। अब हम इस मशीन को चला के दिखाना चाहता हूँ आपको, क्या फिर भी पानी बंद होता है। तो दोस्तों यह दिखा के आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। चलिए अब हम मशीन को ऑन करते हैं, एक्सप्रेस 15 पे चलाते हैं, फिर हम प्रेस स्टार्ट की उस पर क्लिक करते हैं। अब आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे लाते हैं जहाँ पे सोप ट्रे पानी गिरता है, तो उसी के साइड हम लेके आते हैं। पहले पानी लेने दो, अभी तो डूर लॉक चाइल्ड लॉक अवेलेबल दिखा रहा है, फिर ये उसके बाद आपको उधर, जैसे ही पानी लेगा आपको मैं सोप ट्रे के, चलो पानी दिखा रहा ले लिया, अब यहाँ पानी गिर रहा है। तो आपको कुछ देर दिखाना चाहते हैं क्या पानी बंद हो जा रहा है। तो इसका मैं सोप ट्रे निकाल रखा हूँ इसलिए आपको दिखाने के लिए ही। देखिए पानी बंद नहीं हुआ। अगर मोटर नीचे का ड्रम घूम जाता है तो फिर समझो बिल्कुल सही है, और ये जैसे 14 पे आती थी वैसे बंद हो जाता। अब हम नीचे दिखाना चाहते हैं क्या वॉशिंग मशीन का ड्रम घूम रहा है। देखिए ड्रम घूम रहा है, तो आपकी मशीन बिल्कुल सही हो गई है। जो लेट चलती थी या प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाता था तो वह बिल्कुल कार्यक्रम सही हो गया है, अब वो प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा। देख रहे दोस्तों मशीन बिल्कुल ओके हो गई, हनाहन हो गई, अभी चलेगी। बिल्कुल मशीन ओके हो गई। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जितनी वीडियो बनती है आप उसको पूरी ध्यान से देखेंगे। अगर भगा भगा के देखेंगे तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि हम भी टाइम निकाल के आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो आप लोग भी करें कि हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखा करें ताकि आपको भी समझ में आए। तो जब मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ तो आप भी हमारे लिए समय निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।